हैं प्रदीप जी, हमारे हाँ सर जी पास बोलिए। ये डेटा है, अब मुझे इसमें बेसिकली सम निकालना है, मतलब कि जो यहाँ पे डेटाबेस है, इस डेटाबेस में से मुझे यहाँ पे कुछ सम देने हैं। सबसे पहले मुझे ये करना है कि मुझे पता करना है कि इस पर्टिकुलर डेटा में मैंग का कितना सेल है या नीरज का कितना सेल है इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब में, तो मुझे सेल्स का सम निकालना है। हालांकि इसको मैं पिवट पिवट से कर सकता हूँ, लेकिन कुछ कारणवश हम पिवट से नहीं कर रहे हैं, हमें फॉर्मूला करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? बोतल बोतल बोतल, तो उसके लिए हम यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम इफ, उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज मतलब जहां से आपको सम निकालना है। अनिवार्य कॉमा रेंज मतलब इसको नहीं, जो डेटा बेस है उसके अंदर किसके हिसाब से ये डेटा है, मुझे बी वाई बी के हिसाब से सम निकालना चाहिए। अब ये पूछेगा कि भाई इसमें कौन सा क्राइटेरिया, तो आप तो मैनुअल लिख दो, जैसे कि या फिर आप यहाँ पे रेंज दे दो ए टू, ठीक उसके बाद कॉमा, और सम किसके बिहाफ से लेना है, सम सेल्स के बिहाफ से लेना है। मैं दोबारा लगाया बताता हूँ, मैं यहां पे लगाऊंगा सम इफ रेंज, क्राइटेरिया मैंने ए टू मतलब कि या फिर मैं यहां आके सेलेक्ट कर लूं या फिर ए टू कर लूं, और फिर जिसका सम निकालना हो दे दो। तीन एंट्री होते हैं जिसमें से आप देखिए सम में क्या, तीन एंट्री होते हैं जिसमें से दो हमारे तीन जो है उसमें से दो तो हमारे पास जो होता है उसको बोलते हैं ऑप क्या बोलते हैं रिक्वायर, मतलब कि ये तो देना ही देना पड़ेगा, तीसरा हमारा ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल किस केस में छोड़ा जा सकता है मैं आज आपको बताऊंगा। इस तरह से आपका थंब निकल गया, और जैसे आपका डेटाबेस चेंज होगा यहाँ पे, जैसे मैं चेंज करूंगा मैं का मालूम 100 कर दिया, ऐसे हमारा डेटा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। यही मान लीजिए कि मुझे क्या है कि मेरे इसमें इंसेंटिव उन्हीं को देते हैं जिसका 50 से ऊपर है, तो मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन 50 का सम निकालना है कि भाई इसमें ग्रेटर देन 50 कितने सेल, ओनली फॉर ग्रेटर देन 50 हम किसी मैंक और नीरज के बिहाफ से सम निकालना चाहते हैं। तो वहां पे इक्वल सम इफ, उसके बाद यहां पे जाएंगे इसको सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इसी में कर देंगे ग्रेटर देन 50। इसमें दो चीज हुआ कि क्या मुझे इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में अंदर लिखना पड़ेगा या इन्हें बाहर सेल भी सिलेक्ट कर सकता हूं। हाँ, अगर आपने सेल पे ग्रेटर देन 50 सिलेक्ट कर रखा है तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कि मैंने इसमें तीसरा कंडीशन क्यों नहीं दिया, तो तीसरा हमारा ऑप्शनल है, मतलब कि जब आपका सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज जो है आपका रेंज दोनों एक ही हो तो फिर आपको सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो। प्रकाश जी, क्या हुआ, लेट हो गए? हाँ क्या सर, थोड़ा लेट हो गया सर, बारिश है इधर। हाँ दिल्ली मुंबई बारिश हो रही है? हाँ बॉम्बे अच्छा, में है नहीं, हमारा उल्लासनगर में तो है। उल्लासनगर हाँ सर, सर मैं इसके लिए आपको ये कर रहा था, मेरे को थोड़ी आपकी मदद चाहिए, समझे हाँ? ना, उसकी जो भी चार्जेस रहेगी मैं पे करने के लिए तैयार है। आज भेजा है? आज भेजा ये डेटा फाइल जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ भेज दिया हूँ। हाँ सर, तो ग्रेटर देन 50 में आप और इस तरह से कर सकते हो। अच्छा अब ठीक जैसे है, तो कि आप हाँ अभी डाउनलोड। कर लीजिए, आपको अगर आपको चाहिए होता ना, मैं बोलते ही फाइल दे दिया करो, तो मैंने पहले भेज दिया।
नहीं, मैं तो मेरे को चाहिए उस पर ही तो करूंगा तो तभी तो बराबर होगा सर। अच्छा, हाँ मैंने भेज दिया ना आपको। मैं भी करता हूँ। अब नेक्स्ट मेरे पास जो डेटा है, अब इस डेटा में मुझे यहाँ पे चाहिए कि इस पूरे का लेस देन 50 कितना है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे लेस देन 50 का यूज कर सकते हो। सम इफ रेंज कॉमा लेस देन 50, यहाँ पे इसी तरह से आप लेस देन 50, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आप यूज कर सकते हो। ये पूरा का पूरा। अब थोड़ा सा एक और दिक्कत आ गया कि कहीं पे मेरा यहाँ पे रवि शर्मा, रवि शर्मा है और कहीं पे रवि है। डेटा में कुछ थोड़ा सा चेंजिंग हो गया कि कहीं पे रवि शर्मा है और कहीं पे हमारा रवि है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं रवि का सेल निकालता हूं तो सिर्फ रवि का सेल आएगा, रवि शर्मा का सेल नहीं आएगा। रवि तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी में रवि शर्मा का ऐड करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कंटेन विथ रवि, कि रवि अगर हो, चाहे रवि शर्मा के साथ हो या रवि सिंह के साथ हो या रवि मिश्रा के साथ हो, वो यहाँ पे इसका सम निकाल। अब मुझे क्या है कि यहाँ पे सम करने हैं, अभी ये काम पिवट से भी नहीं हो सकता है। अगर आप पिवट टेबल पे जा लगाओगे तो रवि और रवि शर्मा दोनों अलग अलग दिखाएंगे, आपको मैनुअल ग्रुप करना पड़ेगा और काफी दिक्कत होती है। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि रवि और रवि शर्मा या रवि कुमार जो भी है आपके, वो उनका सम निकाल ले। मतलब कि एक चेक करें, जैसे कंटेन भी जो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग और आपको फिल्टर वगैरह में पढ़ाया था कि कंटेन विथ रवि या कंट्रोल एफ करते समय रवि को फाइंड करते हो तो रवि शर्मा भी आ जाता है, तो उसको हमें सम निकालना है। तो उसके लिए भी हम सम इफ में यूज कर सकते हैं। सम इफ हम डेटा पे जाएंगे और जिसके साथ मैच करना है, हमें नेम के साथ मैच करना है रवि को, तो नेम वाला कॉलन पूरा सेलेक्ट कर लेंगे या फिर डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में स्टार रवि लेना है ना, रवि एंड स्टार से इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दे। उसके बाद जिसका सम करना है, जिस फील्ड का जो सेल्स क्वांटिटी अमाउंट जो भी आपका इसका आप सम निकालना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए रवि का सिर्फ 30897 है और यहां में देखिए आपका 31297 है, रवि शर्मा का भी इंक्लूड हो गया। तो दोनों तरफ स्टार लगाने का मतलब हुआ, अब जरूरी नहीं कि हम इन्वर्टर कॉमा में ही लगाए, हमने कहीं सेल पे लिख रखा है उसको भी हम सिलेक्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर देते हैं और फिर इसकी सिलेक्शन में यहाँ दे देते हैं। हाँ स्टार अगर लगाते हैं तो क्या होता है कि रवि से पहले कुछ भी हो रवि के बाद भी, ये सर्चिंग मेथड एसक्यूएल सर्वर का मेथड है स्टार। तो रवि से पहले चाहे जो भी हो और रवि से बाद भी चाहे जो भी हो, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टार एंड रवि तो इसको बोलेगा कि एंड विथ रवि, कि पहले चाहे जो भी हो लेकिन लास्ट में रवि होना चाहिए। हाँ इसके बाद अगर मैं रवि लिख दिया तो यहां पे हो जाएगा एंड विथ रवि शर्मा रवि। अब इसमें क्या होगा कि रवि शर्मा या शर्मा रवि दोनों को ये कर लेगा, लेकिन इसमें सिर्फ रवि करेगा या रवि शर्मा वो करेगा, रवि मिश्रा वो करेगा, रवि कुमार वो करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पोजिशन होना चाहिए रवि। जैसे कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको पढ़ाया था याद होगा, या फिर इसमें यहाँ पे न्यू रूल्स में है ना आपके पास टेक्स्ट दैट कंटेन में कंटेनिंग कंटेनिंग आपका हो जाता है ए स्टार रवि स्टार, बिगिनिंग मिथ आपका हो जाता है ए रवि स्टार और एंड मिथ हो जाता है आपका स्टार रवि। तो इसको हम कंटेनिंग कहते हैं, इसको बिगिनिंग कहते हैं, इसको एंडिंग मिथ कहते हैं। ठीक है तो राव नहीं नाम आने की क्या सर, मैं सुन नहीं पाया।
नाम आने के लिए रवि शर्मा पूरे आने के लिए वो टेबल नाम हेल्प कर रहे थे नहीं सर, ये बेसिकली काउंटी फॉर ये लुकअप इन पे नहीं लगता है, ये सिर्फ आप इस पे काउंट सब मीन सब पे लगा सकते हो, लुकअप वगैरह पे नहीं लगा सकते। जी लुकअप में इसका बता दीजिए, रवि शर्मा है, रवि वर्मा भी। हाँ ओके नहीं मैं ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे ये है, मान लीजिए डे है हमारे पास, तो मान लीजिए कि हमारे पास कहीं पे इसमें तीन डिजिट का डेटा है, तीन डिजिट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये तीन डिजिट में कोई नंबर ही हो, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे इसका सम निकालना है कि यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया आया, मुझे यहाँ पे क्या है कि तीन डिजिट कुछ भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम चाहते हैं तीन बार क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, सामिस इसको सिलेक्ट किया हमने, और यहां मैंने बोला थ्री टाइम क्वेश्चन मार्क, कि थ्री एनी थ्री क्वेश्चन मार्क मतलब क्या हुआ, कुछ भी, तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे है कि मुझे पता करना है कि भैया इसके अलावा कौन है, ठीक है, कि मुझे तीन डिजिट के अलावा क्या हो सकता है, मैं लेस देन थ्री डिजिट, हमें इसका सब निकालना है, लेस देन थ्री डिजिट, तो सिंपल सी बात है, लेस देन थ्री डिजिट में क्या डाल दीजिए आप, लेस देन थ्री डिजिट में क्या डाल सकते हो आप, लेस देन थ्री डिजिट स्टार एंड क्वेश्चन मार्क लगेगा, तीन माइक कौन, तीन से कम चाहिए ना, तीन से कम तो दो ही होता है ना, है स्टार, स्टार लगा दे, जरूरी ना होना ही चाहिए, कुछ भी होगा स्टार में एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। वहां पे सब निकल जाएगा आपका, सामने को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया, सॉरी इसको नहीं, इसको सिलेक्ट किया कॉमा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, नहीं गलत है, दो डिजिट दिखा दिया इधर, अब इसको समझना पड़ेगा, ग्रेटर ग्रेटर देन थ्री डिजिट के लिए तो है सॉल्यूशन, ग्रेटर देन थ्री डिजिट निकालना है तो आप यहाँ पे तीन बार क्वेश्चन मार्क डालो और फिर स्टार लगा, हाँ अच्छा हाँ, बेसिकली ये कंसेप्ट नंबर पे काम नहीं करता है, ये हमारा नंबर है ना, इससे काम नहीं करता है, अगर मैं इस पे करूँ तो काम कर जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा इस पे कर जाएगा, नंबर पे काम नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ आप यूज कर सकते हो, एक तो सम इफ आप नॉर्मल लगा लो, उसके बाद इस तरह के कंडीशन सम इफ के अंदर आप लगा सकते हो। अब बारी आती है डबल कंडीशन की, मुझे पता करना है कि मयंक पुणे ने कितना लिया, मयंक पुणे ने कितना लिया, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन आ गए। अब दो कंडीशन कैसे करें, एक सॉरी तो दो कंडीशन मेरे पास है, मोर देन वन कंडीशन हमारे पास है, कि भाई एक से ज्यादा कंडीशन है,
तो चलिए यहां पे हम करते हैं। तो जब आपके पास सम इसमें मोर देन वन कंडीशन होता है तो उस केस में हम यूज करते हैं सम इफ का। जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो आप सम इफ का यूज किया जाए। तो यहां पे लगाइए सम इफ। सम इफ का थोड़ा सा उल्टा है। सबसे पहले आपको देना होता है रेंज कि किसका सम करना है आपको। तो मैंने यहां पे दिया कि मुझे सम इसका करना है। फिर पूछता है आपका क्राइटेरिया, पहली क्राइटेरिया कौन सी है। बोला कि मेरी पहली क्राइटेरिया ए है। और पहला क्राइटेरिया रेंज, मैं बोला कि ए है। दूसरी क्राइटेरिया मतलब रेंज क्या, ए है। और दूसरी क्राइटेरिया क्या आपका, ए है। ऐसे तीसरी चौथी क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया देते चले जाइए आप उसका समझ रहे हैं। मतलब कि ए मैं, यहां देखिए मैन का टोटल सेल 30792 है, लेकिन मैन का पुणे में सेल 5205। मतलब कि इस 30,000 का कंट्रीब्यूशन सिटी वाइज आप यहाँ पे जिस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कंडीशन आप अपने हिसाब से लगा सकते हो जब तक ये आपका करेक्ट करेक्टर 37,500 कुछ ना हो जाए। करेक्टर एबीसीडी जो होती है वो करेक्टर कंडीशन नहीं, क्योंकि तो एक सेल के अंदर आप 37,000 समथिंग टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है सर। और इस काम इसमें जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां पे निकालने हैं मैन का, यहां पे मान लीजिए न्यू दिल्ली में करना है मैन का न्यू दिल्ली में, लेकिन इट्स ग्रेटर देन 50 ही यूज करना है। अब इसे तीन कंडीशन है कि मैन न्यू दिल्ली के ग्रेटर देन 50। तो इस तरह की जो कंडीशन आपने सम इफ में लगाया है वो सम इफ में आप लगा सकते हैं। कैसे करेंगे, सम इफ डेटा में गए, हमने सम रेंज को सिलेक्ट किया, पहले क्राइटेरिया रेंज और पहली क्राइटेरिया, दूसरी क्राइटेरिया रेंज एंड दूसरी क्राइटेरिया, तीसरी क्राइटेरिया रेंज एंड तीसरी क्राइटेरिया, लिख दो इन्वर्टर को मारो या फिर सिलेक्ट कर लो, ये आपका आसान। तो कहने का मतलब है कि सम इफ में आप ये सारे चीज यूज करते हैं जो आपने यहां भी यूज किया। अब बारी आती है काउंट का कि मुझे पता करना है, जैसे कि इसी में मुझे पता करना है कि मयंक जो है वो कितना बार आया हुआ है, इसमें काउंट क्या है इसका। तो ये पहले तो काउंट के नॉर्मल फॉर्मूले के बारे में बता दूं। काउंट के नॉर्मल कुछ फॉर्मूले हैं। एक तो हमारे पास काउंट है ओनली फॉर काउंट। तो ओनली फॉर काउंट क्या करता है, जस्ट नंबर काउंट करता है। ये बता रहा है इसके बीच में अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख दूं तो इसको काउंट नहीं करेगा, ओनली फॉर काउंट नंबर। एक है हमारे पास काउंट ए, ये काउंट ऑल, ये नंबर टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। एक हमारे पास काउंट ब्लैंक, ये सिर्फ आपके ब्लैंक को काउंट करता है। तो तीन फॉर्मूले काउंट के आपको बताया जो कि जनरल है। काउंट सिर्फ नंबर काउंट करता है, काउंट ए सिर्फ आपका नंबर काउंट दोनों नंबर टेक्स्ट दोनों काउंट करता है, और यहाँ पे काउंट ब्लैंक जो सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। ये आपके कंडीशन हो गए काउंट, क्लियर है। लेकिन काउंट विद कंडीशन मतलब कि मुझे पता करना है कि इस बी बाई बी बाय हमारा मैन कितना बार है, निगर कितना बार आया हुआ है। तो उसके लिए हम याद यूज करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ रेंज को सिलेक्ट करेंगे बस, और यहां पे मैन काउंट करना है, यहां लाइए कि आपको काउंट क्यों बता दिया। मैं दोबारा करके लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाना है। एक बार मैं समझ नहीं आया हो तो दोबारा समझ में आ जाएगा आपको। काउंट इफ सबसे पहले आपको रेंज जिसके अकॉर्डिंग ढूंढना है आपको, और जो ढूंढना है वो दे दीजिए रेंज एंड क्राइटेरिया, यहां पे आपका आ जाएगा। ठीक है। और इसमें भी मान लीजिए कि मैं मुझे पता करना है कि यहाँ पे कि ग्रेटर देन 50 में इतना सेल आया है, तो ग्रेटर देन 50 में सेल जो आया कितने से मिल गया, तो क्या काउंट है उसका। तो उसके लिए हम यहाँ पे काउंट इफ लगा लेंगे, और काउंट इफ में हम यहां पे इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको, हाँ इसको कॉमा,
और जो आपने सम इसमें चीजें दी है, ग्रेटर देन लेस देन थ्री, जो जितनी चीजें दी गई है वो सारे चीजें आप यूज कर सकते हो। आ गया, ये सारे यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, लगा के आप यूज करके देखना, सेम तरीके से सबमिट यूज किया सेम तरीके से क्राइटेरिया की जगह पे यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मोर देन वन कंडीशन है तो वहां पे आप काउंट इफ लगाओगे, जैसे कि मुझे पता करना है कि मंथ ग्रेटर देन 50 कितना है, तो उसके लिए हम काउंट इफ यूज करेंगे। काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज टू, सॉरी क्राइटेरिया रेंज टू अभी सी बाई सी नहीं है, ये है हमारा एंड क्राइटेरिया। इस तरह से आप मोर देन वन कंडीशन यूज कर सकते हो, ठीक है सर। प्रकाश जी को डाउट? हाँ सर, हाँ जी। तो प्रकाश जी और पुनीत जी, एक सामिप काउंट, सामिप काउंट इफ, काउंट इफ सामिप बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और सामिप की जगह हमारे पास एवरेज इफ होता है। अगर आपको मान लीजिए एवरेज निकालना हो तो आप इसकी जगह पे एवरेज लगा दो, एवरेज इफ लगा दो तो एवरेज निकल जाएगा, और इसकी जगह एवरेज इफ, दोनों सेम सेम फॉर्मूला है। तो मैं ये फाइल आपको मैं भी मेल कर रहा हूँ जिसमें फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, मुझे कम से कम इसके 10 एग्जाम्पल आप खुद ब खुद इस डेटा पे लगा के बताइए, जिसको आप पाइवट से कर सकते हो उसको आप किस तरीके एक्सेल से कर सकते हो, क्योंकि तो आगे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सर इस फाइल जो है, जो मैंने एक तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिखाए हैं, आप मुझे इसी डेटा जो आपके है इसी डेटा पे 10 अलग अलग समरी बना कर बताओ, जिसमें जिसमें आप पिवट यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे ये सम इफ काउंट इफ और एवरेज इफ का फॉर्मूला। मैं फाइल आपको मेल, दोनों आदमी को मेल कर दिया हूँ, ठीक है सर। और प्रकाश जी कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको मेल करता हूँ, कल की क्लास में बहुत अच्छी क्लास थी और बी लुकअप एडवांस बी लुकअप की क्लास थी, बताए नहीं आप, तो मैं उसका लिंक यूट्यूब लिंक मैं आपको मेल पे भेज रहा हूँ, ठीक है। इसको जरूर देख लीजिएगा आप, इसको छोड़िएगा मत सर, प्रकाश जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर देखिएगा।